कहते हैं कि जीवन जीने का सबका अपना अपना अंदाज होता है और आपको अपना अंदाज एक बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत दर्शन, जिसको बोलते हैं फिलॉसफी, एक बनानी चाहिए कि मेरे जीवन की क्या फिलॉसफी है। सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा, हालांकि सिद्धांतों से ही दर्शन बनेगा, दर्शन से मेरा अर्थ फिलॉसफी, या दर्शन से ही सिद्धांत हो गए, दोनों में से एक पर हम टिक जाए तो जीवन में विपत्तियां तो फिर भी आएंगी, कठिनाइयां तो फिर भी आएंगी, परंतु मन में फिर भी एक सुख होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉन रिटायरिंग स्लीप एज इफ यू एंटर्ड योर लास्ट स्लीप। जब सोने जाओ तो ये मानकर ही सो कि शायद ये अंतिम बार सोने जा रहा हूं। इतने भाग्यशाली वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो आराम से नींद में चल देते हैं, परंतु क्या पता हम में से कुछ ऐसे भाग्यशाली हों, तो ऐसा मानकर ही सो कि शायद कल सुबह मैं ना उठूं। तो जो व्यक्ति स्वयं से इतना ईमानदार है उसको किसी चीज का भय नहीं हो सकता, और जब तक आप निर्भय नहीं होगे तब तक आप जीवन में कुछ अलग नहीं कर पाओगे। अलग करने के लिए एक वो निर्भीक होना नितांत आवश्यक है। अपॉन अवेकनिंग लीव योर बेड बिहाइंड यू इंस्टेंटली एज इफ यू हैड कैस्ट अवे अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज। के सुबह उठते ही एक बार मैंने बचपन में मैं धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा था, उस पर कुछ पता नहीं ना जाने क्यों मेरे मन में वो लाइन की छाप रह गई है, बहुत साधारण यही बात हिंदी में लिखी हुई थी कि उठते ही सुबह शैया का त्याग कर देवे, ऐसे लिखा हुआ था, उठते ही सुबह शैया का त्याग कर देवे जो साधक जिसका मन है। और यही बात हमेशा विद्या स्वामी जी भी बोलते हैं हमेशा कि उठते सार सबसे पहले जाके स्नान कर लो। अगर आप उस आदत को डाल लोगे कि बेड में थोड़ा रिलैक्स कर लो तो एक डेढ़ घंटा बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और फिर बाद में आपको गिल्ट होगा कि अरे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ये बहुत होता है, अगर आपका दिन प्रोडक्टिव ना जाए तो रात पहुंचते पहुंचते आपको एक गिल्ट होना शुरू हो, आज कुछ भी नहीं किया, आज व्यर्थ किया, सिर्फ निंदा चुगली की थोड़ी सी, उसके अलावा कोई काम की बात नहीं की। या यू नो यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो सुबह अगर आप छोड़ देंगे, सुबह का नियम बना ले सुबह मुझे फोन नहीं ऑन करना या टीवी नहीं ऑन करना या जो भी व्हाटएवर, तो आप देखेंगे कि बहुत समय बच गया है। वो चीजें जिनको करने के लिए आपके पास समय नहीं था उनको करने का समय मिल जाएगा आपको। तो ये था जीवन का दर्शन, अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि मैं तो बहुत जोरों शोरों से समझाने पे लगा हुआ हूँ, आई होप आप वही समझ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ। एक मठ में एक स्कॉलर का आना हुआ, प्रकांड विद्वान थे, तो वो मठ की एक रूल था उस मठ का कि पहले शास्त्रार्थ करना होगा, यदि आप शास्त्रार्थ में जीत गए जो मठाधीश थे उनसे तो आप मठ में रह सकते हैं जितने दिन चाहें उतने दिन, यदि हार गए तो नहीं। तो जो मठाधीश थे उन्होंने बोला, अरे वो तो बहुत बड़ा विद्वान है, मुझे 5 मिनट में हरा देगा, मैं नहीं करूंगा शास्त्रार्थ इनके साथ। तो उनका भाई था बिल्कुल परले दर्जे का मूर्ख, अज्ञानी मूड, जिसका काम सिर्फ यही था चलो थोड़ी सफाई कर दो, बाल्टी पानी की इधर रख दो, लकड़ी उधर रख दो, बस इतना सा। और वो छोटा भाई था, उसकी एक आंख भी नहीं थी। तो मठाधीश ने बोला जो बड़ा भाई था, भाई तुम कर लो उनके साथ शास्त्रार्थ। बोला मैं, मरवाओगे मुझे? आप तो फिर भी 2 शब्द बोल सकते हैं, मैं वो भी नहीं पता, कहता वही कह रहा हूं बोलना कुछ नहीं, बस चुप रहो, चुप रहना वही शास्त्रार्थ होगा। बोलता अगर कुछ पूछा ना, चुप रहना बस, मौनी बाबा बन जाना,
लोग अपने आप सोचेंगे सिद्ध है। यही होता है, जिस संत के पास ज्ञान ना हो अगर मौन धारण कर ले सब बोलेंगे बड़े सिद्ध महाराज हैं। एनीवे तो वो उन्होंने बोला कि बस तुम चुप करके बैठना, ठीक है। तो वो जो विद्वान होता है विशिष्ट, वो आ जाता है, दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं, एक दूसरे को ऐसे नमन करते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। अब जो विद्वान है वो सोचता है अब बात शुरू होगी। कोई बात शुरू नहीं होती। तो विद्वान सोचता है कुछ करना पड़ेगा, वो ऐसे एक उंगली उठा देते हैं और ये जो भाई था मठाधीश का जिसकी एक आंख थी वो ऐसे दो उठा देता है, वो विद्वान ऐसे सख पका जाता है। फिर वो कहता है तीन उठा देता है, तीन उंगली। तो जब वो तीन उंगली उठा देता है तो ये बोलता है, ये हाथ ऐसे उठा देता है, जो विद्वान होता है ऐसे नमन करता है, दंडवत करता है और वहां से भाग लेता है कि मुझे एक क्षण नहीं रुकना, क्योंकि हो सकता है हार नहीं कोई सजा हो, काम करना पड़े 10-20 साल। तो ये जो होता है भागा भागा जाता है अपने भाई के पास, वो कहां गया। बोलते अभी मुझसे मिलके गए हैं, मतलब मैंने सारा मठ छान मारा, मैंने सोचा नहीं आपके पास होंगे, अब कहां है, चला गया। तुम तो बहुत बढ़िया शास्त्रार्थ किया। बोलते क्यों, क्या हुआ? बोलते उसने मुझे यही बताया कि मैं तो उनके मौन से ही भयभीत तो हो गया, जो विद्वान था। कहते फिर भी मैंने वार्तालाप करने के लिए हाथ उठाया और बोला कि ईश्वर एक ही है। तो बोलता उसने अपने जवाब में दो उंगलियां उठा दी कि द्वंद तो फिर भी है, द्वैत। तो मैंने बोला वो तो ठीक है, पर फिर गुण तो भी तीन हैं, सत्व रजस और तमस। तो कहता उसने ऐसे कर दिया, पर सत्ता तो एक ही है, सब इकट्ठे हो गए तो एक ही है। तो ये बहुत गुस्से में होता है छोटे वाला जो भाई है, कहता सब बकवास बात है, झूठ बोल के गया है, इतना उदंड मैंने आज तक नहीं देखा, दुष्ट धूर्त एक नंबर का, मुझे देखते सार बोलता तुम्हारी एक आंख है। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिलने आया, मैंने कहा कोई बात नहीं आपकी तो दो हैं। फिर भी उसको चैन नहीं पड़ा, मुझे बोलता पर हम दोनों की मिला के तो तीन ही है। तो मैंने बोला फिर मैं लगाऊंगा तुम्हारे। तो फिर वो चल पड़ा, भाग गए यहां से। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। समझ रहे हैं ना सब लोग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली, कोई भी नहीं समझ सकता, हम केवल वही समझते हैं जितना हम समझ सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार ही समझता है।